एफएमसी uh, को एफएमसी के लिए मैं एग्जाम के लिए तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने यहीं से क्लियर कर ली थी मगर एक था कि बेसिक बेसिक चीजें तक तो मैंने संभाल लिया था यहाँ पे मगर जो मेन होती है है मेरा ब्रीफ करो कौन से ईयर में लाइक यू आर इन द सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर व्हेन यू हैव जॉइंड डैम्स

तो गौतम नगर से मैंने एफ के लिए डैम्स में कोचिंग की थी तो वहां से मेरे वहां से मैंने प्रिपरेशन कंप्लीट की तो यही था मेरा सबसे पहला फाइनल ईयर जब आप कॉलेज में थे तो ऑन मेडिको ऐप आप हमारे लाइव लेक्चर्स यूज करते थे आ, नहीं नहीं सर मैंने सीधा वहीं से कोचिंग से स्टार्ट किया था, मैंने आपने Sir, sir, तो मैंने uh, uh, 15 के notes बना थे। है, ही नोट अपने लिए जहाँ पे बच्चे आते हैं इन द हॉलीडेज वो कहीं ना कहीं देसली इट इज नॉट ईजी टू डू ऑल देशन फ्रॉम अक्रॉस दंट्री एंड आफ्टर स्ट्रगल दे यूजन टाइम फॉर एंजॉयमेंट बट आपने उस चीज को चैनलाइज किया डैम्स की क्लास वेरी गुड और आपने 15th हाँ में फाइनल ईयर में कंप्लीट कर लिए सो बेटा व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ दैट क्लासरूम लर्निंग इन गौतम नगर सर मुझे तो बहुत बढ़िया लगा एक एक है ना जैसे कि स्टूडेंट ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं उससे है, सम अगर एक ऑफलाइन कोचिंग का वो बात ही अलग है जो कोचिंग में एकदम बंदा जो स्टूडेंट है फोकस कर पाता है आसपास का माहौल उसे अच्छा मिलता तो ये बात है जो ऑनलाइन कोचिंग से लग है। साथ ही साथ डांस में जुड़ने का फायदा मुझे ये रहा सबसे बड़ी बात कि अब मैं ऑफलाइन कोचिंग तो कर ही रहा हूँ साथ ही साथ मुझे ऐप ऐप ई भी मिल जा रहा है उससे ये मेरा फायदा था कि जो चीज मेरी अगर रह जाती है समझ नहीं तो मैं बाद में वापिस लाइब्रेरी जाके उसको वापिस रिवाइज कर पाता हूँ तो ये मैं मानता हूँ की बहुत बड़ा बेनिफिट है डैम्स में और बाकी डैम्स के जो फैकल्टी है वो तो है ही सर हर कोई जानता है फैकल्टी के बारे में जब नीट पीजी को निकाल देता है तो एफएमजी तो निकाल ही देता है वाह ये यार ये आपके वर्ड्स के डैम्स वाले जब नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम कंफर्टेबली निकलवा देते हैं तो एफएमजी तो बिल्कुल नाउ व्हेन वी कमिंग ऑन द पैटर्न पैथ लाइक यू स्टार्टेड इन द फाइनल ईयर यू कंप्लीट योर नोट्स दैट हैट्स ऑफ टू यू देन हाउ मेनी लाइक एमसीक्यूज यू स्टार्टेड यू जस्ट फोकस ऑन द क्लास नोट्स जस्ट सर मैंने जैसे कि क्लास नोट्स ना, क्लास नोट्स तो मैंने पढ़े ही थे सर जैसे कि मान लो कि क्लास खत्म हुई क्लास खत्म होने के बाद मैंने वापस रिवाइज कर लिया उसके बाद मैं उस जैसे इमेडी कोर्स ऐप पे जाता और उस टॉपिक के क्वेश्चन कर लेता था उससे क्या होता है कि मेमोरी थोड़ी अच्छी हो जाती है उस टॉपिक को लेके समझ एक अच्छी हो जाती है तो वो मैं मानता हूँ वो चीज़ ने बहुत हेल्प की मेरी और साथ ही साथ ये था कि नोट्स में रिवाइज कर लेता था बार बार तो वो उस चीज से कि मेमोरी थोड़ी अच्छी रही मेरी नोट्स को लेकर कमिंग टू द और नोट्स से अच्छा। जी हाँ नोट्स से मैंने एग्जाम में देखा कि नोट्स से तो डेम्स के नोट्स इतने बढ़िया थे कि लगभग लाइनें है उठी हुई थी जैसे कि 230 क्वेश्चन तो मैं एकदम एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि हाँ कि इस पे से इस वाली लाइन से आया था सब कुछ मेरे नोट्स में ही है और बाकी दूसरे था जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको

I am feel proud of all the damn students and on this platform we are having Dr. Oish Khan with us, 168 in very first attempt. Game changer for him was he joined in the final year itself. You started doing MCQs, coming on the pattern. So, now talking about pattern. You appear for the paper 1, paper 2. Let us start with the paper 1. How was the paper 1 in FMG examination? Paper 1, sir, just like every year, year that type no pattern followed. Just Like any subject... जैसे कि पैथोलॉजी माइक्रोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी है तो इनमें से उतने क्वेश्चन नहीं आए जितने साथ करते उस के नहीं तो ये थोड़ा सा अलग लगा इन सबके क्वेश्चन आए थे और जो फर्स्ट फर्स्ट पेपर मुझे लगा कि थोड़ा ट्रिकी है कंपेयर टू तो सेकेंड पेपर के सेकेंड पेपर मुझे इजी लगा थोड़ा बहुत फर्स्ट पेपर के कंपेयर कंपेयर किया जाए तो

वो मैं वो प्रॉब्लम की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मेरे मार्क्स थोड़े कम आए बाकी पेपर तो इतना टफ नहीं था जितना जा, देखा जाए तो।, तो क्योंकि ग्रैंड टेस्ट गया था ग्रैंड टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के थे क्वेश्चन कुछ ज्यादा डिफरेंस था नहीं उसमें मेरे दो ग्रेस्ट में मेरे दोस्तों ऊपर ही आते थे मार्क्स आ जाते थे मगर मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि एंगजाइटी ज्यादा हो गई थी मुझे लेव, एंगजाइटी लेवल वगैरह बहुत ज्यादा हो गया था चक्कर में मेरे क्वेश्चन छूट गए थे लगभग तो पांच क्वेश्चन छूट गए थे तो लेकिन बेटा अब इसको एज ए फैकल्टी आई विल टेल यू आप इस चीज को हम यूज करेंगे किसमें आप बताओ किसमें यूज करेंगे नीट एग्जाम में अब हम अब हम प्रेशर नहीं <laughs> लेंगे अब प्रेशर नहीं लेंगे ना <laughs> ठीक है ना बेटा तो जो आपने पढ़ा है वही चीज है बेटा आज की डेट में एफएमजी एग्जामिनेशन नीट और आने वाले साल में तो जब नेक्स्ट आएगा तो एवरीथिंग विल बी सेम तो जो आपने हमारे साथ मेहनत की है उसमें नो डाउट यू आर सेइंग 168 लेस बट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट 168 ऑसम awesome अचीवमेंट तो ये हमें नीट अभी भी तो पे करेगा ना बेटा नीट एग्जाम में भी करेगा कमिंग ऑन द डीएफएक्स एनी स्पेशल मेमोरीज फॉर डीएफएक्स विद इज अ डीएफएक्स एक रहा कि जैसे फर्स्ट टाइम पे रिवाइज करना थोड़ा थोड़ा हार्ड हो जाता है जैसे आपने इतनी सब करी और ने कि उसी टीचर जो जिस टीचर ने पढ़ाया वही टीचर वापिस रिवाइज करा रहा है तो उस चीज वो बहुत ईजी हो गया और उसमें मुझे ये पता चल गया कि हाँ कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सी चीज कम इम्पोर्टेंट है वो डीएफएक्स से ये चीजें ये पता है कि हाँ इन सब चीजों को कभी छोड़ के जाना ही नहीं है तो वो चीज फायद बहुत फायदा की और डीएफएक्स से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे डीएफएक्स से तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट साबित हुई मेन एग्जाम में ओश ऑनेस्टली बताना एग्जाम के अंदर डीएफएक्स की याद आई थी नहीं आई थी

तो बेटा एनी स्पेशल सबसे पहले स्पेशल मैसेज फॉर योर पेरेंट्स बेटा सर जी सर आवाज नहीं एनी एनी स्पेशल मैसेज फॉर योर पेरेंट्स बेटा बिकॉज ऑफ हुम यू आर हियर सर मेरे यानी कि मेरे मम्मी पापा ने उन्होंने यानी कि बहुत कष्ट लिया है लगभग हम इतनी इतनी हाई क्वालिटी एरियाज नहीं आते मेरे एरिया में लोग इतने एजुकेटेड नहीं है फिर भी मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाया है मुझे

सर हाँ मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि नोट्स के ऊपर भरोसा करना आजू बाजू जो से जो दूसरी कोचिंग में है उनके नोट्स पे भरोसा मत करना जो भी तुम खुद पढ़ रहे हो उसी पे भरोसा करो और नोट्स से ही आएंगे क्वेश्चन इसके अलावा बाहर झांकना मत कोई और चीज को पकड़ने की कोशिश मत करना तुम अगर एक ही चीज़ के ऊपर रहोगे एक ही चीज को पढ़ोगे वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा और हो सके तो क्वेश्चन करते रहना

interviewing in thank you so much yes. sir, for best fishes coming on this platform thanks for coming for this trip.